मुझे लगता है जरा जल्दी से चलते हैं, हम बीजेपी की साथी है, एनडीए में शरीक है, जेडीयू हमारे साथ राजीव जी मौजूद है। राजीव जी आप किस तरफ हैं सर? अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में ये बात कही थी कि साहब दलित आदिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला बच्चे है ना भाई, देश की जो संपत्ति है जो रिसोर्सेज है उस पर पहला हक इनका है, इनका पहला अधिकार बनता है, आपको इस पर कोई एतराज है या सही है? देखिए मुझे ऐसा लगता है, हाँ जी, शायद मनमोहन सिंह जी ने जो भी कहा हो लेकिन उन्हें इस बात का स्मरण होना चाहिए था कि हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 में और 2006 में उनका ये बयान है, इस दौरान 10 वर्ष अगर छोड़ दिए जाएं तो सत्ता में कांग्रेस रही। बिल्कुल। और जिन 95% लोगों के हक और उनके अधिकार को लेकर के वो इतने मुखर दिख रहे थे तो सबसे पहले तो उन्हें कांग्रेस के आला नेताओं से ये पूछना चाहिए था कि आपने इन वर्गों के लिए दरअसल किया क्या है। और चूंकि मनमोहन सिंह जी उस दौर में भी प्रधानमंत्री थे जब जातीय जनगणना कराने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया और उसके आंकड़े भी वो सार्वजनिक नहीं कर पाए, हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि अगर ये आंकड़े सार्वजनिक होते तो निसंदेह योजनाओं के निर्धारण में केंद्र सरकार को मदद मिल सकती थी। तो एक तरफ आप इन वर्गों के शुभचिंतक होने की बात करते सामने आ पाए ना, और ये सच है, सच्चर कमेटी ने तो आए नहीं सामने अब तक, बाद में भी इतना समय था, बाद में भी आ सकते थे है ना। नहीं मैं जी देखिए वो तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने अगर अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया तो बिहार में आंकड़े सार्वजनिक हुए, तो मतलब हम एनडीए के ज्यादातर आपके साथ ही रहे हमारे राज्य में तो ऐसा, और आप भी रहे सत्ता में तो मतलब चाहते तो यहाँ पर भी आ जाते। देखिए वो अलग डिबेट है, ठीक है ठीक है जी। देखिए सबसे पहले वो जब वो विषय होगा तो निसंदेह उस पर अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बराबर जो गैर बराबरी को लेकर जिस तरीके से संसाधनों के असमान वितरण को लेकर कांग्रेस अगर मुखर होती है तो कांग्रेस को हिंदुस्तान में अपने शासन के 60 वर्षों के दौरान किए जो उनके जो कार्य हैं जो उनकी उपलब्धियां हैं उस पर भी उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और तब आप ये पूछेंगे कि सामने वाले ने क्या किया, इसलिए कि आपके पास इतना लंबा समय आपको मिला देश की जनता की सेवा करने का, सभी वर्गों को उनका वाजिब हक आप दिला सकते थे, लेकिन सच्चर कमेटी ने तो मुसलमानों की बदहाली और उनकी दयनीय स्थिति की भी तस्वीर रखी। आ रही हूं दोबारा आऊंगी सर आपके पास, जिस बात का जिक्र यहां पर राजीव रंजन जी कर रहे हैं कि साहब क्योंकि इतने वक्त तक देश पे राज किसने किया, कांग्रेस ने ही राज किया है ना, 70 साल में से 60 साल उन्होंने ही राज किया, ऐसे में गैर बराबरी, वो ये कह रहे हैं कि साहब गैर बराबरी की बात अगर कांग्रेस करती है तो फिर तो कांग्रेस को अपने गिरेबान के भीतर ही झांकना चाहिए, मतलब वो अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, बीजेपी अलग दिशा में लेकर जा रही है, अभी तक तो वो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटीज और मुसलमान को लेकर बात कर रही थी, लेकिन आज जब मैं पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ के सुना रही हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दलित आदिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन और महिला और बच्चे इन सब की बात की थी और यही कहा था दे मस्ट हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेज। आइए देखिए वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम अह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिए हुए वक्तव्य के ऊपर ना मुझे गुस्सा आ रहा है ना प्रतिक्रिया जो लोग दे रहे हैं वो आ रहा, आज मुझे बहुत दया आ रही है। किस पर? और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पे दिए हो, क्या बात कर रहे हैं? वो इसलिए आ रही है, हाँ बिल्कुल इसलिए आ रही है, हाँ। क्योंकि देखिए जिस तरीके से झूठ बोलना, जिस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ करके करना, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपने सुना होगा कि माननीय मनमोहन सिंह के कभी बाथरूम में घुस जाते हैं और ये देख करके आते हैं कि उन्होंने रेनकोट पहना है या नहीं पहना है, उससे पहले स्टेटमेंट कभी जर्सी गाय महिलाओं के अपमान के लिए, कभी हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके की हमने बयानबाजी सुनी है, और दया इसलिए आ रही है लगता है हार जो है वो सामने जो है बिल्कुल मुकाबला हो गया ऐसा लगा, इसीलिए ऐसे बयानबाजी आ रही। आप बताइए इन 10 सालों के अंदर क्या कार्यकाल रहा, माइनॉरिटीज़ का बजट नहीं घटाया गया, आप स्कॉलरशिप दे नहीं पाए बच्चों को, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप आपने बंद करी, अभी आप बड़ी बड़ी कर रही थी, और उसके बाद एक कभी लैब आई, क्या मुसलमानों पे इस देश के ऊपर हमले बढ़ गए नहीं बढ़ गए, लिंचिंग के केसेस हुए नहीं हुए, पूरे विश्व के अंदर भारत की जो है साख गिरी या नहीं गिरी,
इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट है अमेरिका के अंदर, उसमें बताया कि जब से 2014 से लेकर के 24 तक मोदी सरकार आई है, तब से अल्पसंख्यकों के ऊपर और दलितों के ऊपर हमले बढ़ गए। मणिपुर के अंदर आपने नहीं देखा क्या हो रहा, पूरे विश्व के अंदर नाक कटाई जा रही और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं मणिपुर के ऊपर? जैसे ही मणिपुर का जिक्र करो तो तकलीफ होने लगती है। महिलाओं को नंग करके जो है वो घुमा दिया गया, इनके दिलों के अंदर दिल नहीं है, भावनाएं नहीं है, आहत नहीं होती, यहां पर आकर के जुमलेबाजी फेंकेंगे देश को जो है हिंदू मुसलमान की डायरेक्ट। और हैरत की बात है, चुनाव आयोग कहां सोया हुआ है, क्या कार्रवाई कर रहा है? आएंगे तो खाली लंबे लंबे जुमलेबाजी करेंगे चुनाव आयोग। अभी शाम में गई है ना कांग्रेस पार्टी शिकायत लेकर चुनाव आयोग। अच्छा, लेकिन एक मिनट, आपने जो आरोप लगाया, एक मैं छोटा सा जवाब ले लूं नाहिद, मैं आपके पास उसके बाद आऊंगी, एक छोटा सा जवाब मैं पहले सैयद जफर इस्लाम साहब से ले लूं। यहां जितनी बातें जवाब ने कही है जफर भाई, अब सवाल ये कि बीजेपी तो कहती है कि साहब इस देश के रिसोर्सेस पर पहला हक जो है वो कांग्रेस मुसलमानों को दे रही थी, यही कहते हैं ना, बाकी सब तो एडिट कर दिया, दलित आदिवासी जो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, लेकिन आप लोग हमलावर मुसलमानों को पहला हक दे रही थी कांग्रेस, इसी बात को लेकर करते हैं। अब यहां जवाब बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक मारने का काम बीजेपी कर रही है, प्लीज रिस्पॉन्ड सर। देखिये, हकीकत तो यह है कि जिसने वेलफेयर स्कीम, बाकी सरकार में आने के बाद सरकार कैसे फायदा कराती है, सड़कें बनाती है तो क्या वो उसमें मुस्लिम नहीं चलते हैं? जाहिर है जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है तो सभी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह, लेकिन अगर वेलफेयर स्कीम चलाती है तो टारगेटेड होती है गरीब परिवारों के लिए, ओबीसी कैटेगरी में आप देखिए जफर भाई, माइनॉरिटीज का 40% बजट काटा गया, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद करी गई, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, सुनिए तो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लगातार टारगेट करा जा रहा है, जामिया यूनिवर्सिटी को टारगेट करा जा रहा है, जामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी को जो है टारगेट करा जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।